हेलो फ्रेंड्स, एनआईटी दिल्ली में इस साल 2023 में एडमिशन लेने के लिए कितनी रैंक चाहिए आप सभी को आपकी कैटेगरीज में, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस। यहाँ मैं सभी कैटेगरीज की बात करूँगा, सभी ब्रांचेस की बात करूँगा एनआईटी दिल्ली के, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, किसी एक ब्रांच की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, जितनी ब्रांचेज हैं जिसमें जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है 2023 में। होम स्टेट अदर स्टेट दोनों की बात करूँगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा कि 2023 में कितनी रैंक आप लाएं ताकि आपका 100% एडमिशन हो जाए एनआईटी दिल्ली में। एनआईटी दिल्ली यार एनआईआरएफ में बहुत नीचे है और देखो दो तीन ही एनआईटीज बची हैं हमारी लिस्ट में और सबसे उनमें से एनआईटी दिल्ली अब आ रहा है, लेकिन प्लेसमेंट्स बहुत कमाल के हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ऐसी वीडियोज़ जल्दी अवेलेबल भी नहीं होती। तो वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग, बात करते हैं एचएस मतलब कोटा एचएस है, एचएस मतलब होम स्टेट, मैं अदर स्टेट की भी दिखाऊंगा आपको। अब हम समझते हैं एचएस क्या है, जहां से आपने ट्वेल्थ किया है वो आपका एचएस है, स्टेट से कोई मतलब नहीं, मैं आगे समझा दूंगा। सीट टाइप ओपन, ओपन मतलब जनरल, यहां क्लोजिंग रैंक ही हमारी कट ऑफ होती है, हमारी मतलब 2023 में हमारी यही कट ऑफ रहने वाली है, क्लोजिंग रैंक जो सबसे लास्ट में है, उससे थोड़ा सा पहले जो ओपनिंग रैंक है वो हमारी कट ऑफ नहीं होती। तो यहां पे देखो आप एनआईटी दिल्ली एनआईआरएफ में बहुत नीचे आता है, अगर आप NITs की रैंकिंग भी देखेंगे तो उसमें लास्ट पे आता है, 28-29 पर आता है NIT दिल्ली, ऑल NITs में बहुत नीचे है NITs की लिस्ट में। तो 33-34,000 अगर आपकी जेई मेंस में रैंक आती है, देख सकते हैं 33-847, अगर इतनी रैंक अगर आपकी आती है जेई मेंस में तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, होम स्टेट है। तो राउंड वन की कट ऑफ है तो घबराना मत। बात करें अब यहाँ पे फीमेल 32-33,000 अप्रोक्स सेम रहने वाली है, PWD 821। यहाँ देखो जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ है, CRL नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बता दूँ होम स्टेट अदर स्टेट में डिफरेंस का है, आपने जिस भी स्टेट से ट्वेल्थ किया है वो आपका होम स्टेट हो जाता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं कोई लेना देना नहीं है। सपोज आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने ट्वेल्थ अगर दिल्ली से किया तो आपका होम स्टेट दिल्ली हो जाएगा और बाकी अदर स्टेट हो जाएंगे आपके, तो अदर स्टेट से मतलब नहीं है हमारा। बाकी अदर स्टेट यहाँ देखो आप सब 26-27,000 के अराउंड है, मतलब जो दिल्ली से जिन्होंने ट्वेल्थ नहीं किया, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एनआईटी दिल्ली एक अच्छी एनआईटी है, अगर मैं ट्रू रिव्यू दूँ तो यार मैं एनआईटी दिल्ली गया भी हूँ और मैंने देखा भी है वहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से दूर है थोड़ा सा, मतलब मैं दिल्ली में ही हूँ तो फिर एनआईटी दिल्ली में देखा भी हूँ एक, मैं इसकी रियलिटी भी और रिव्यू भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। कंप्यूटर साइंस की देख लेते हैं, होम स्टेट में 9600-9700 कट ऑफ्स हाई हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स कमाल की हैं, प्लेसमेंट मैंने इसकी ऑलरेडी अपने चैनल पे कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेटेस्ट प्लेसमेंट है 55 लाख का हाइएस्ट पैकेज गया हुआ है, तो प्लेसमेंट्स में कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कमी कहाँ देखने को मिलेगी आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्यों इतना नीचे है वो ही बताऊंगा मैं एनआईआरएफ में। अदर स्टेट की बात करें 7600-7700 के अराउंड रहने वाली है और प्लेसमेंट्स तो मैंने इसकी ऑलरेडी कर दी है, जाके देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, एनआईटी दिल्ली में लेने मतलब कि क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। प्लेसमेंट्स देखो, अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए तो बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट्स के लिए इतना भी अच्छा नहीं है, सूरत कल वारंगल जैसा नहीं है, लेकिन अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। लोअर एनआईटीज में तो बहुत अच्छे है प्लेसमेंट वाइज ये। अब यहाँ पे देखो बाकी अदर स्टेट का देख सकते हैं कट ऑफ बहुत हाई है, इतने पे आपको यार दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। और दूसरी बात देखें यार, एनआईटी दिल्ली का कैंपस इतना अच्छा नहीं है, डेवलप्ड कैंपस नहीं है, और एनआईआरएफ में नीचे इसलिए है क्योंकि एनआईआरएफ प्लेसमेंट्स फॉलो नहीं करता, और प्लेसमेंट्स अगर फॉलो करता तो शायद ऊपर होती है एनआईटी, लेकिन प्लेसमेंट्स फॉलो नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स देखता है एनआईआरएफ। वैसे एनआईआरएफ को चेक भी मत करना अगर आपको एडमिशन लेना है तो, वैसे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं इसके, अच्छे हैं मतलब रैंक के हिसाब से, 55 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी कर रखा है इसका प्लेसमेंट फुल डिटेल ब्रांच वाइज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बात करें यहाँ पे कैंपस, तो कैंपस इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, बिल्डिंग और ऊपर से लोकेशन इसकी उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि मैं इसका ट्रू रिव्यू दे रहा हूँ, मैं गया भी हूँ, जहाँ मैंने जिसको मैंने फिजिकली देखा है जिस कॉलेज को, उसका तो यार मैं ट्रू रिव्यू बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट में है 21-22,000 के अराउंड रहने वाला। तो देखो यार कैंपस इसका एक हाईवे, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे नेशनल हाईवे कैसा होता है, उसके बाद खेत है, उनके बीचों बीच में है, कोई सिटी के अंदर नहीं है, मतलब है दिल्ली के अंदर ही लेकिन आउटर दिल्ली में, हाँ नेशनल हाईवे है और वहाँ पे खेतों के बीच में है। तो यहाँ पे आप ये उम्मीद मत रखना कि बिल्कुल सिटी में होगा, बहुत ही मतलब टॉप ऐसे एरिया में, ऐसा नहीं है। और बाकी आप थोड़ा दूर पे तो है सिटी है, मतलब थोड़ी दूर पे अच्छे लोकेशन है, लेकिन थोड़ी दूरी पर है, कैंपस वहाँ पे नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना, इतना बड़ा भी कैंपस नहीं है।
बाकी फुल डिटेल रिव्यू मैं जल्द से जल्द इसकी कर दूंगा, प्लेसमेंट ऑलरेडी कर रखी है। अदर स्टेट की देखो 17-18,000 के अराउंड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं होम स्टेट अदर स्टेट में ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कट ऑफ्स बहुत हाई हैं लो रैंक होने के बाद भी, क्योंकि दिल्ली को लोग समझते हैं कि NIT दिल्ली में है तो अच्छा है। देखो न्यू NIT है दिल्ली में होने की वजह से इसकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, नॉर्थ ईस्ट की NITs से भी ये नीचे आता है। नॉर्थ ईस्ट की NITs में प्लेसमेंट्स डाउन इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कंपनीज नहीं जाती ज़्यादा, यहाँ दिल्ली में, इसलिए इसको बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो होम स्टेट 15-16,000। देखो मेरी बात आप समझ रहे होगे, यहाँ एक भी सेकंड स्किप करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ एक एक सेकंड में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और आप मेरी बात बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। बाकी आप यहाँ पे अपने कट ऑफ देखते रहो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है यहाँ पे अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। वीडियो मेरी फास्ट लग रही है तो स्लो करके देख सकते हो, देखो शायद मैंने इस वीडियो में थोड़ा फास्ट बोल दिया, स्लो करके देख सकते हो आप। बात करें अदर स्टेट की तो 12-13,000 के अराउंड है, होम स्टेट में 15-16, तो ज़्यादा गैप अगेन भी बड़ा गैप देखने के लिए नहीं मिलता है, और यहाँ पे स्टॉप करके देख भी सकते हो आप आराम से। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, इन कट ऑफ्स की बहुत सारे पेज हैं, आपको जब भी कट ऑफ चेक करनी हो मेरी ये वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, या फिर किसी को दिखानी हो तो दिखा सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी भी कैटेगरीज हैं अगेन बता रहा हूँ, चाहे होम स्टेट हो गई या अदर स्टेट, सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ है, CRL नहीं है, जनरल को छोड़ के, जनरल में तो CRL ही होता है, और यहाँ पे सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिलती है। बात करिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे होम स्टेट 28-29,000 है, वो प्लेसमेंट वाली वीडियो जाके जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो, और अगर देखी भी तो एक बार और जाके देख लो, आपको रिमाइंड याद हो जाएंगे सारे प्लेसमेंट्स, ब्रांच वाइज की है, पूरी डिटेल में की है, एवरेज पैकेज कितने प्लेस हुए हैं, 55 लाख का हाइएस्ट पैकेज है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अदर स्टेट की बात करें 22-23,000 के अराउंड है, देखो कट ऑफ इसकी बहुत हाई है और इवन बहुत लो आता है, क्योंकि यार अगेन बता रहा हूँ प्लेसमेंट्स की वजह से, और लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं दिल्ली में है तो लोकेशन अच्छी होगी, बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इनफैक्ट इसका फुल रिव्यू मैं जल्द से जल्द करूँगा, और बाकी इसकी डिटेल्स लगभग तो मैंने दे ही दी क्योंकि इस वीडियो के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये राउंड वन की कट ऑफ है, तो ये कट ऑफ आपको हाई लग रही होंगी, अगर आपके थोड़े से भी रैंक से रहता है तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट कुछ राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। देखो लगभग मैंने बहुत कुछ NIT दिल्ली के बारे में बता दिया, प्लेसमेंट्स ऑलरेडी कर दिया अपने चैनल पर, कट ऑफ बता ही दिया मैंने क्या रहने वाली है 2023 में, फीस स्ट्रक्चर मैं जल्द से जल्द बता दूंगा, और बाकी कुछ रिव्यूज़ कैंपस भी बता दिया मैंने कैसा है, कुछ उसको दिखा भी दूंगा वीडियो के अंदर, कुछ अगले कुछ वीडियो में फुल रिव्यू कर देंगे हम, और ऐसे मैं सभी कॉलेजेस की करूंगा, लगभग सभी NITs की कर दी है, 2-3 बची हैं, और IITs सारे हो गए हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है तो जाके देख सकते हैं, रिसेंट अपलोड्स में मिल जाएंगी। वीडियो यार जरा सी पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ, और बेल आइकन प्रेस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी ऐसी वीडियोज़ आप मिस ना कर दो, वीडियोज़ डेली लेके आता हूँ, टेंशन मत लो, कोई भी फालतू टॉपिक पे वीडियो लेके नहीं आता ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मिलते हैं एक और कल की इंपॉर्टेंट वीडियो में।